हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। आप कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट हेयर। जिन लोगों के हेयर शॉर्ट होते हैं उनके लिए हम कौन कौन से हेयर स्टाइल हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको हम घर पे भी डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन पार्टी हो तो वहाँ पे भी हम उनको कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ वेरी इजी हैं जो कि आप डेली रूटीन में ट्राई कर सकते हो, और कुछ ऐसे हैं जो अगर आपको कहीं पे जाना हो जैसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बाहर भी। दोनों तरह की हम ट्राई करेंगे, सिंपल और थोड़े से ट्रेंडिंग, दोनों तरह के हेयर स्टाइल हम शेयर करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे हेयर स्टाइल, जो कि सिंपल से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं इनको, घर पे रहना हो और अगर आपको कहीं पे फंक्शन पार्टी में जाना हो तो आप ये वाले हेयर स्टाइल कर सकते हो, खुद से कर सकते हो और विदाउट किसी की हेल्प के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला हेयर स्टाइल जो बनाना है उसके लिए हमने बालों के स्टेप को थोड़े थोड़े लेकर के चारों तरफ से लेने हैं और ऊपर को पकड़ते जाना है। तो आगे की ओर से ही लेना है ये हेयर, पीछे से नहीं लेने हमें। तो फिर अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लेना है। ये मैंने छोटा क्लच लिया है, इसको अभी हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल बहुत ही प्रिटी सा बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही इजी है। आप इस हेयर स्टाइल को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने घर पे रहना है तब भी अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो तो भी आपके लिए ये हेयर स्टाइल बेस्ट है। अगर आपने किसी हल्के फुल्के फंक्शन प्रोग्राम में जाना है तो भी आप ये वाला हेयर स्टाइल करके जा सकते हो। तो ये सभी पे सूट करते हैं, लेडीज़ पे भी और गर्ल्स पे भी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड हेयर स्टाइल। इससे पहले अपने बालों को आपने अच्छे से कॉम कर लेना है। और फिर आपने घुमा देना है एक तरफ, उसको ट्विस्ट करके ऊपर को पकड़ लेना है। फिर हमने, आप चाहो तो थोड़ा सा डाउन कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे ही ऊपर रख सकते हो। तो फिर आपने इस पर क्लचर लगा देना है। तो ये क्लचर अटैच कर दिया, तो ये आपका बन टाइप हेयर स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप डेली रूटीन में भी ट्राई कर सकते हो, और कई लेडीज़ है इसको साड़ी के साथ भी बनाती है तो उनको अच्छा लगता है। तो बहुत इजी है, आप ओनली 2 मिनट में विदाउट किसी की हेल्प के आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही ईजी है और क्विक है, 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। ये हमने हेयर बैंड लिया है, इसे हम रेडी करेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल। तो ये मैंने सिंपली लगा लिया है, इसको सिंपली लगा के पीछे को करना है और फिर अपने उसको दबा के ऊपर को आगे को कर देना है, तो आपका आगे से पफ बन जाएगा इससे। तो बहुत ही सिंपल सा और प्रीटी सा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो हेयर्स को सिंपल ऐसे खुले रख सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ पोनीटेल बना सकते हो, और वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये हेयर स्टाइल मोस्टली गर्ल्स के लिए है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स ये वाला हेयर स्टाइल बनाती हैं, और बहुत ही सिंपल और प्रीटी लगता है ये हेयर स्टाइल।
अभी हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक तरफ साइड को एक मांग निकाली है, आप चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो मांग, बट साइड को अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। तो आपने आगे से लेफ़्ट साइड चाहो आप बना सकते हो, चाहे राइट साइड बना सकते हो। तो थोड़े से ही फ्लिक लेने हैं आपने और उसको अच्छे से कॉम कर लेना है, फिर पीछे को उनको ट्विस्ट करना है, आगे को नहीं करना। तो ऐसे बालों पे पीछे करके उनको पिन अप कर देना है। ये मैंने टिकटॉक पिन ली है, इसको अटैच कर देना है और एक और पिन लगाएंगे, ये सेकंड ली है मैंने। तो ये आपका हेयर स्टाइल बहुत इजी सा बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो अपने बालों के ऐसे खुले छोड़ सकते हो और बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। आप चाहो तो इसके साथ भी पोनी बना सकते हो। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे फोर हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट हेयर जो हमने शेयर किए हैं। बहुत ही इजी है, आप बिना किसी की हेल्प के खुद ही घर पे रेडी कर सकते हो और बहुत ही प्रिटी है। और भी हम अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल अपने चैनल पे शेयर करते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।